हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह ये जश्न गरीब नवाज है दामिनों सुल्तान शहदा जिसमें कई बच्चों के सर पे दस्ताने हुए। सुभान अल्लाह अल्लामा गुलाम जिब्राइल अल्लामा मुशीर और दीगर मुतवक्फा उनकी कमेटी के अरकान आज मुबारकबादी के लायक है। मैं हृदय की यथा गहराई से उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें वेलकम स्वागतम करता हूँ कि जिन्होंने हम सबको आज इस पवित्र सभा में बैठने का मौका प्रदान किया है। बड़े खुशनसीब हैं जिनको ऐसी महफिल में बैठने का मौका मिलता है। गरीब नवाज एक मरतबा मेरे गरीब नवाज अपने चंद मुरीदों के साथ तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान की रेतीली जमीन है। मरीदों ने कुछ देर के बाद कहा, हजरत 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 बहुत भूख लग गई है, बहुत भूख लग गई है। आज का पीर होता तो कहता पीली मुरीदी तोड़ो 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 खाना मांगने के लिए बुलाओ। आया तुम नजराना लेके तोहफे लेके। आजकल पीर साहब उससे बहुत खुश होते हैं जो मुरीद नजराना देता। कसम खुदा की पीर इस जमाने में अगर कोई कामिल पीर है तो उनका नाम मेरे ताजुल शरिया है। वाह 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 करोड़ों की तादाद में उनके मरीज। लेकिन आप सारे मरीजों को पहचानते हैं। नवाज ने फरमाया थोड़ी दूर और चलो, कुछ दूर और गए का हुजूर बर्दाश्त से फाजिल है का कुछ दूर और चलो, कुछ दूर और गए का हजरत अब हम नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे का नहीं चल पाएगा का ना का सामने देखा चंद बाबा लोग पीतल की गाय लेके शुरू का पंडित साहब लोग चुप का क्या बात है का हमारे मुरीद लोगों को भूख लगी है पीतल की गाय दे दो हमको इससे दूध दोना है। ये पीतल की गाय है चल नहीं सकती फिर नहीं सकती तो दूध कैसे ले सकती है। गरीब नवाज ने फरमाया पंडित लोग घबराना गाय देना तेरा काम है दूध लाना मेरा काम है। वह पंडित साहब लोग सोचे कि इस गरीब नवाज ने पृथ्वी चौहान का चौहा हिला दिया है आज 10-12 ही पंडित मिल के राजा की खाजगी पर हमला कर देंगे बड़ा नाम हो जाएगा। का बाबा तैयार हो जल्दी से पीतल की गाय को साफ सुथरा किया का सब कुछ होना मगर गाय मत होना कुछ भी हो सकता लेकिन गाय मत होना। लेकिन उसे मालूम नहीं था निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें और मर्दे यकीन पैदा कर जाती है तकदीरें। सुभान अल्लाह जल्दी से पीतल की गाय को लाके रख दिया मेरे गरीब नवाज ने अपने बस्ते में लाए तो उस पीतल की गाय पे रखा जैसे ही रखना था कि वो गाय हकीकत में गाय बन गई है उसके छाती दूध से लबरेज हो गया है। और खाजा गरीब नवाज ने फरमाया मुरीदों तू हो और मुरीदों ने दूहना शुरू किया इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा कि पीते पीते सब थक गए। सुभान अल्लाह दूध बच गया का सरकार हम लोग तो थक गए पीते पीते कुछ दूध बच गया है। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं फरमाते हैं बाबा लोग पंडित साहब लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं इन्हीं को दे दो। सुभान अल्लाह को दे दो अब पहुंचे हैं मुरीद आओ पंडित साहब लोग मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन वारे गरीब नवाज गरीब नवाज ने कुछ अदा कर दिया है ये दूध लो पी लो सब पंडित साहब लोग राजा गरीब नवाज ने इस करामत को देखा तो कदमों पे गिर गया और कहने लगा गरीब नवाज हमें दूध मार्ग में भी आना पहले इस्लाम में दाखिल कर लो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराएगा। या अल्लाह जो लोग हाथ उठाए हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा आमीन। अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं उनकी कमाई में बरकतें अता फरमा आमीन। जितने हाथ उठे हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा आमीन। दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह
نبی اللہ بڑا خوش اور بڑا چہکتا ہوا مجمع ہے، اور کیوں نہ ہو، آج جس مدرسے کے جلسے میں آپ حاضر ہیں اس مدرسے کا نام ہی سلطان الشہداء ہے. واہ سلطان الشہداء، شہیدوں کا بادشاہ، وارِ حسین، سبحان اللہ، تیری عظمت کو سلام، تیری تقدس کو سلام، تیرے مرتبے کو سلام، جس حسین نے کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، بے شک کیا نہیں لٹایا، چھکبا کا بچہ علی اصغر کو لٹا دیا، علی اکبر کو لٹا دیا، امام قاسم کو لٹا دیا، اور محمد کو لٹا دیا، عباس نمبردار کو لٹا دیا، اور جاتے جاتے اپنے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سندیش دے دیا، او نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کے لیے اگر دولت نہیں پڑے تو دے دینا، وقار دینا پڑے تو دے دینا، عزت نہیں پڑے تو دے دینا، جان دینی پڑے تو دے دینا، مگر اپنے ہاتھوں سے دامن اسلام کو مت جانے دے رہا، روبے سلطانی کو ٹھکراؤ، چلو نام حسین بالغ سے کھولا ہوتا منہ موڑ دو، چلو نام حسین ماں کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ، چلو نام حسین، اے شک واہ واہ جمعہ دونوں ہاتھ اللہ راجے بلو، یا حسین یا حسین خدا کی حسینی رنگ چڑھائیے، میرا حسین دیکھ رہے ہیں پورا مجمع، اللہ راجے بلو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اور میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر اسلام کے لیے جان دینے کی باری آئے تو اس میں سے کتنے لوگوں کو جان دے سکتے ہیں؟ جو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتا ہے وہی ہاتھ اٹھائے، بے شک، جو قرآن کی عظمت کو بچا سکتا ہے وہی ہاتھ اٹھائے، بے شک، جو حسین کی سنت کو زندہ کر سکتا ہے وہی ہاتھ اٹھائے، جس کے پاس ہوا میں علی اکبر کی طاقت کی محبت ہو، علی اکبر کی خون کی محبت ہو وہ ہاتھ اٹھائے، اور اعلان کر دو مولانا شفیق اللہ تیری بات کیا ہے، نبی کا حکم ہو تو فان جائے ہم سمندر میں جہاں کو منہ کر لے، نعرہ اللہ اکبر سے ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، پھر لہرا کے بولو یا حسین یا حسین، اور جو سے یا حسین اہل رسول، اولاد علی، اولاد فاطمہ، اولاد غریب نواز، اولاد غوثی اعظم، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں مم ماتا اللہ حکم آل محمد، مم ماتا مومنہ، مم ماتا اللہ حکم آل محمد، مم ماتا شہیدہ، مم ماتا اللہ حکم آل محمد، مم ماتا اہل سنت و جماعت، برائی کا امام پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، سبحان اللہ، اولاد علی بیٹھے ہیں، اولاد حسین بیٹھے ہیں، کون اس مجمع میں ہے جو سلطان الشہداء مدرسے میں اس مجمع میں سے تو ایسا جوان کھڑا ہو جو 500 روپیہ امام حسین کے نام پر حضرت کے ہاتھ ملا کر رکھتے، سید کون ایسا شہزادہ ہے جو اولاد حسین کے ہاتھ ملا کر کے 500 روپیہ لا کے ڈال دے، کون ایسا دیوانہ ہے، کون ایسا ماں کا وفادار بیٹا ہے، ماں کا جیلو بیٹا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اے حسین کا دیوانہ اٹھو، حسین کا متوالا اٹھو، علی اکبر کا چاہنے والا اٹھو، سبحان اللہ، آج میں نے 500 روپے کا صرف سوال کیا ہے، او حسین کے نام پہ آ جاؤ، کتنے لوگ آ رہے ہیں، باب آپ کے جذبے کا امتحان ہے، آپ کی محبت کا امتحان ہے، حسین نے سب کچھ مٹا کے اسلام بچایا ہے، حسین نے بیٹا لٹا کر کے شریعت کو بچایا ہے، حسین نے 6 ماہ کا بچہ لٹا کر کے طریقت کو بچایا ہے، حسین نے سب کچھ لٹا کر کے نماز کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، آ جاؤ شہزادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ جاؤ دیوانہ اٹھاؤ، تجھے تیری ماں کی محبت کا واسطہ ہے، جس ماں نے تجھے اپنے گود میں لے کر کے یہ لوریاں سنائی ہے، اے بیٹا تو سو جاؤ، یا مصطفیٰ کہتے کہتے رلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اے بیٹا
तेरी जबान बोले तो अल्लाह बोले, तेरी जबान बोले तो मुस्तफा बोले, तेरी जबान बोले तो या रसूल अल्लाह बोले, तेरी जबान बोले तो ये कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शामिया बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे अरब ना बहारे शफात पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो वैसे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ए मारे बच्चे आलू बेटा हुसैन ने सब कुछ लुटा करके हमें कुरान जैसी मुकद्दस किताब बचा के दिया है, इस्लाम बचा के दिया है, नमाज बचा के दिया है, सच्चे बचा के दिया है। आज उसी हुसैन के नाम का मदरसा है। आ जाओ दीवाना, आ जाओ मत वाला, आ जाओ, आ जाओ हुसैन का शहजादा, आ जाओ। माशाल्लाह चंद लोग आए हैं जिन्होंने हुसैन की मोहब्बत की गुलामी पेश किया है, लेकिन आपके जहन में सवाल होगा शफीकुल्लाह बाबू हम जलसे में सोचते कि आप हुसैन के नाम पर 500 रुपया मांगेंगे तो हम 1000 लेके आते, 2000 लेके आते, लेकिन हम तो सोच रहे थे 50-60-100 रुपये 200 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ 500 रुपया कुल मिला के लाए हैं। तो आओ इस मजमे में से करबला में 73 शहीद होने वाले जवानों के नाम पे 73 नौजवानों को और सिर्फ 100 रुपया दे दो, 73 नौजवानों को और हुसैन के एक करबला के एक एक शहीदा के नाम पर 73 नौजवान सिर्फ 100 रुपया दे दो। आ जाओ तो दीवाना, आओ तुझे तेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता है, तुझे माँ के प्यार का वास्ता है, तेरी माँ की अजमत का वास्ता है, कुर्सी वाले दीवाना उठाओ उठाओ, उस हुसैन की मोहब्बत दिया है, हुसैन के खून का वास्ता दिया है, वह करबला के शहीदा के खून के बदले 70,000 गुनहगारों को बख्शा जाएगा। दुआ करो 70,000 गुनहगारों को जो बख्शा जाए उसमें इस गुनहगार का भी नाम आ जाए, सियाकार का भी नाम आ जाए, बदकार का भी नाम आ जाए, उसको 75 नौजवान को और साबित कर दो, रोवे साबित कर दो मोहब्बत से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज या ना हो कलम तेरे है, जो तेरी आग में शोले पे सो या वो हुसैन, जो जहां पे तेरी मैयत पर ना रो या वो हुसैन, जिसने सब कुछ लुटा करके सब कुछ खो के भी कुछ ना खो या वो हुसैन, कत्ले हुसैन असूल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला पे करबला आओ हुसैन का वास्ता दिया है, 72 नौजवान उठाओ और एक एक सौ रुपया दे दो, ज्यादा नहीं माना है, एक एक सौ रुपया माना है, एक एक सौ रुपया माना है, सिर्फ एक सौ रुपया मैंने माना है, हुसैन के नाम पर माना है, ऐसर के नाम पर माना है, अलगस्कर के नाम पर माना है, ओनू मोहम्मद के नाम पर माना है, अब्बास नंबरदार के नाम पर माना है, मेरा नारे हिंदुस्तान मेरा नारा तो भरा दो यार, नारे नारे रिसालत मसल के आला हजरत मुसलमानों ने अहले सुन्नत मुसलमानों ने अहले सुन्नत नारे हजरत के हाथ में देते चले जाए, मसाफा बाद में कीजिएगा, हसी की तकरीर सुनिएगा तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी, आप बाद में मसाफा करना, लेकिन आप में से कुछ लोगों के दिल में जोश मार रहा होगा, शरीफुल्लाह ओ शरीफुल्लाह, लगता है कि इस्लाम सिर्फ अमीरों के लिए बना है, इस्लाम सिर्फ पैसा वालों के लिए है, तुम्हें मालूम नहीं है इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे है जिसके पास 80 होते हैं, जिसके पास 20 होते हैं, जिसके पास 85 होते हैं, जिसके पास 5 होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, तो क्या यूसुफ की खरीदारी में चपे कबूलिया शरीफ हो सकती है, तो क्या मदरसे में हम नहीं शरीफ हो सकते हैं, आम दावत है आपके पास, एक रुपया है तो 1 रुपया ला के डाल दो, 2 रुपया है तो 2 रुपया ला के डाल दो, 5 है तो 5 ही डाल दो, 10 है तो 10 ही डाल दो, 20 है तो 20 ही डाल दो, करबला से मेरा हुसैन देख रहा है, करबला से अली असगर देख रहे हैं, करबला से इमाम कासिम देख रहे हैं, करबला से औलो मोहम्मद देख रहे हैं, मेरा दीवाना आज 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 इस गाँव में क्या नाम है गाँव का, केवल केवलपुर में, केवलपुर में आज मेरी मोहब्बत में अपनी माँ लोग को कुर्बान कर रहा है, कस है तो कस ले रहा है, उठो तो जाओ उठो भाई जल्दी से चेक में हाथ डालो, ज्यादा नहीं जिसके पास जितना ही है, कस है तो कस ही दे दो, 20 है तो 20 ही दे दो, कुर्सी वाले इस्लाम को सहला दो, उठो आपसे
मैं ज्यादा नहीं 10 वंश मांग रहा हूँ, 5 रुपया मांग रहा हूँ, 1 रुपया मांग रहा हूँ। उठो चचा, उठो, उठो भैया, उठो। ए जनवरी फरवरी तुम भी 1 रुपया ला कर डाल दो, ताकि तुझे देख करके ये जवान आ जाएंगे, तुझे देख करके इस्लाम का शहजादा आ जाएगा, तुझे देख करके इस्लाम का दीवाना आ जाएगा। ये वो जवान है जो कादोरी चक्कीदार होती है, जवानों में नजर आती है उनका अपनी मंजिल, आसमानों में जिनका जिक्र होता है, आसमानों में मुअस्सिर की अजानों में, मुअस्सिर की अजानों में कुर्सी प्लास्टिक का है, हमें इस पे भरोसा नहीं है। अब एक एक कदम चलो तो एक एक कदम के बदले अल्लाह 10-10 नेकियां अता फरमाएगा, आपको हर हर कदम के बदले अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमाएगा। आ जाओ तुम्हारा उठाओ, आ जाओ मतवाल को, नारे नारे मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने अहले सुन्नत सर जमीने केवल पर, नारे नारे वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों के बीच में भी दो छोटे छोटे बच्चे को भेज दीजिए, हमारी माँ बहनें भी अपने सास ससुर के नाम पे, हाँ जो इस मदरसे के तलबा हैं छोटे छोटे, उन बच्चों से गुजारिश है कोई जो है हमारी माँ बहनों के बीच में चले जाए जाएंगे और बच्चे भगवान भगवान लेके चले जाए। चचा उठो भैया, राजा 10-20 रुपये में यार गुटखे खा लेते हो यार, दे दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो लोग नहीं दे पाए हैं वो कल पछताएंगे, इसी बहाने से 10 रुपये की बरकत से कारी गुलाम मोहम्मद साहब आने वसूल का हो जाने से भी मदरसे के छोटे आने वसूल कारी गुलाम मोहम्मद साहब छोटे बच्चों को औरतों के दरमियान आप भेज दीजिए। मैंने अक्षरों के बच्चों को था, मैंने कलाम शुरू ही में आपको सुनाया था, हम मुसलमानों की एक ही शान है, हम लोग की सोच एक ही है कि मेरी बात बन गई है। करते करते सुभान अल्लाह आपने अपनी मेहनत की कमाई तामिले सुल्तान शहदा को अदा किया है, अल्लाह आपको एक एक पैसे के बदले ढेर सारा सवाब अता फरमाएगा। आमीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, किसके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, और यहाँ तो सच्चों झूठों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी भी झूठा से पूछो कभी झूठ बोलता है, बाप जन्म में कभी झूठ नहीं बोला। वहाबी देवंदी राबजी खारजी नेचरी फेचरी छोटी टोपी बड़ी टोपी, कुछ लोग तो सोचते नमाज नहीं पढ़ो 5 किलो का टोपी पहन लो, ये चकरालवी कहता कुरान को मानो और को मानने की जरूरत नहीं है, सब हो गए स्वाहा, सब इस्लाम से निकल गए। हम तना तन सुन्नी है, गुनहगार है, अपने नबी का वफादार है,
ہمیں بریلی کے تاجدار نے ہمارے سینے میں اس کے رسالت کا چراغ جلایا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں۔ زندگی میں وفا کیا پھر ملاقات ہوگی، مولانا بولنے میں جس طرح کی غلطیاں عمدن سبن لفظن مانون ہوئی ہو مولانا مقدس علماء کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و تب الیہ۔ سب لوگ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھوں گا اس کے بعد پڑھیے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد۔ آخری میں نعرہ بلند کر دیجئے تاکہ آپ کے اندر یا حسین زندہ باد گرمی کے ساتھ، یا حسین، یا حسین، پورا مجمع لہرا کے، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین۔ سبحان۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔